हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, किम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल, और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा वुड पे। और अभी मैं खड़ा हूं थाईलैंड के एक और दूसरे बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड पे, और इस आइलैंड का नाम है आपको फंगन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं यहाँ पर फंगन आइलैंड। और इसके बारे में डिटेल में जो बात है वो अपने बाद में करेंगे, लेकिन आज जो अपने बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपके कुछ सवालों की। मेरे बहुत सारे भाई मुझे काफ़ी दिन से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, जिसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स भी आ गए और बहुत सारे मैसेजेस भी आ गए मेरे पास में कि क्या इंडिया के लिए 1 नवंबर से विदाउट क्वारंटाइन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन थाईलैंड ओपन हो रहा है। और इसके अलावा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि क्या पत्या की नाइट लाइफ, थाईलैंड की नाइट लाइफ एक बार फिर से ऑन हो गई है। तो यार मेरे बहुत सारे भाइयों के बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे डाउट्स हैं। तो अगर आप लोग आज की बात करें, आज तक थाईलैंड में अभी तक जो पोजीशन चल रही है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं। आई होप इस वीडियो के बाद आपके काफ़ी सारे डाउट्स ऐसे होंगे जो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि क्या 1 नवंबर से इंडिया के लिए थाईलैंड बिना क्वारंटाइन के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ओपन होने जा रहा है। तो यार इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, बिल्कुल ये बात एकदम गलत है, क्योंकि अभी तक जो थाईलैंड गवर्नमेंट है उन्होंने सिर्फ 5 कंट्रियों के लिए 1 तारीख से खोलने का जो एक निर्णय लिया है, एक डिसीजन लिया है। और वो जो 5 कंट्रियाँ हैं वो है चाइना, USA, UK, सिंगापुर और जर्मनी। और इन 5 कंट्रियों के अलावा, इन 5 देशों के अलावा अभी तक किसी और कंट्री के नाम पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यार यहाँ पर बहुत सारे ऐसी न्यूज़ चलती हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स चलते हैं, तो मैं इन चीज़ों पर तब तक यकीन नहीं करता जब तक यार यहाँ पर जो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट, जो एक गवर्नमेंट का जो गैजेट है, जो गवर्नमेंट का एक, मैंने आपको बोला, पेपर हो या गवर्नमेंट की कोई ऑफिशियल वेबसाइट हो, जब तक उसके ऊपर ये चीज़ मेंशन नहीं होती मैं किसी भी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करता, और मैं कोई भी गलत जानकारी आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो फिलहाल जो फाइनल हुए वो हुए सिर्फ 5 कंट्रियाँ। पहले ऐसा बोला जा रहा था कि यार लगभग 10 कंट्रियों के लिए यहाँ पर 1 नवंबर से ओपन होगा, लेकिन फिलहाल जो ओपन हुआ है वो हुआ है 5 कंट्रीज़ के लिए। उसके अलावा जो बाकी की कंट्रीज़ होंगी उसके ऊपर जो डिसीज़न है वो जल्दी लिया जाएगा, लेकिन वो कौन सा दिन होगा और वो कौन कौन सी कंट्रीज़ होंगी, कौन कौन से देश होंगे जो 1 नवंबर से बिना क्वारंटाइन के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के थाईलैंड के अंदर एंटर हो पाएंगे, उसके बारे में अभी कोई भी कन्फर्मेशन यहाँ पर नहीं है। तो यार ये सिर्फ एक, जैसे हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार ये खबर मिली है, वो सूत्र कौन से हैं, वो सूत्र कहाँ पे होते हैं, मेरे को तो आज तक नहीं मिले। अगर आप में से किसी को पता हो कि वो सूत्र कहाँ मिलते हैं तो ज़रूर यार कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि वो सूत्र कौन है और वो सूत्र कहाँ पे मिलते हैं। तो यार ये सिर्फ एक, आप लोग कह सकते हैं कि एक सिर्फ एक अनुमान है कि यार कुछ लोग यहाँ पर, कुछ मीडिया हाउस यहाँ पर एक अनुमान लगा रहे हैं कि यार 1 नवंबर तक ऐसा होगा, ये कोई भी श्योर नहीं है, कोई भी कंफर्म नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह की खबरों पे भी ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अभी तो आप लोग सिर्फ वेट कीजिए पहले इंडिया से फ़्लाइट ओपन होने का, कि इंडिया से फ़्लाइट थाईलैंड के लिए कब ओपन हो रही है और कब वहाँ से पहली फ़्लाइट उड़ेगी, जो यहाँ पर उन सिटीज़ में आकर लैंड करेगी, जो सिटीज़ आपके लिए यहाँ पर ओपन कर दी गई हैं, जहाँ पर आप लोग ऑन अराइवल वीज़ा लेके एंटर हो सकते हैं, जहाँ पर आपको जो 7 दिन का एक जो सैंडबॉक्स है उसके जो नियम है आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो यार अभी फिलहाल अपने पास में एक ही रास्ता है, अगर आप लोग यहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा लेकर भी आना चाहते हैं आप आ सकते हैं। उसके लिए जो वीडियो मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ चाहिए मैं आपको बता चुका हूँ। तो यार आज ही मेरा एक फ्रेंड है जो उस सैंड बॉक्स में यहाँ पर फुकेत में पहुँच चुका है, और ये जो मेरा फ्रेंड है ये वही फ्रेंड है यार जो एक बार पहले भी यहाँ पर फुकेत सैंड बॉक्स के अंदर 1 महीना रहने के बाद यहाँ से कतर वापस गया था, जो कतर में एक अच्छी जॉब करता है, वही मेरा फ्रेंड सचिन। वो एक बार फिर से यहाँ पर फुकेत सैंड बॉक्स के अंदर एंटर हो चुका है, फुकेत पे पहुँच चुका है, लेकिन इस बार जो सचिन वहाँ पर आया है, इस बार सचिन वहाँ पर लेके आया है ऑन अराइवल वीज़ा। और सचिन ने अपने साथ में एक छोटी सी जानकारी, एक छोटा सा वीडियो भी शेयर किया है कि किस तरह से वो यहाँ पर फुकेत में लैंड हुए और किस तरह से उन्होंने यहाँ पर जो फॉर्म था, जो आपका वीज़ा के लिए जो फॉर्म है, किस तरह से यहाँ पर फॉर्म लिया, उनका क्या कहना है कि जो फॉर्म है वो अपने को इंडिया से लेकर लाइक प्रिंटआउट लेकर वहाँ से निकलना चाहिए या यहाँ पर आकर यहाँ से फॉर्म लेकर भरना चाहिए, और किस तरह से उन्होंने यहाँ पर जो उनका एक RT-PCR टेस्ट था वो यहाँ पर कराया। तो यार ये पूरी डिटेल सचिन ने अपने साथ में शेयर करी, और इसके अलावा सचिन ने अपने साथ शेयर करी है फुकेत की नाइट लाइफ।
तो यार सचिन ने जो वीडियो अपने साथ आज यहाँ पर शेयर किया, मैं वो वीडियो आपको दिखाऊं, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। उससे पहले जो दूसरा सवाल था, मेरे बहुत सारे भाई ऐसा बोल रहे थे कि हमने देखा है कि पत्या में नाइट लाइफ स्टार्ट हो गई है, थाईलैंड में नाइट लाइफ स्टार्ट हो गई है। तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पत्या में अभी नाइट लाइफ स्टार्ट हो गई, क्योंकि पत्या अभी भी यहाँ पर रेड जोन में है। ये बात और है कि पत्या के अंदर कुछ जो रिस्ट्रिक्शन थी वो अभी कम कर दी गई है। जो अभी एक नाइट कर्फ्यू था वो अभी रह गया सिर्फ रात को 11 बजे से सुबह 3 बजे तक, सिर्फ 4 घंटे का जो यहाँ पर जो एक कह सकते हैं कर्फ्यू अभी यहाँ पर रह गया। और ये जो यार कर्फ्यू का टाइम कम किया गया है, जो 11 से 3 का कर्फ्यू है 4 घंटे, इसमें सिर्फ जो थोड़ा बहुत जो आप कह सकते हैं एक बेनिफिट हुआ है वो उन रेस्टोरेंट्स को हुआ है, यहाँ पर उन जो यहाँ पर जो थाई बुफे चलते हैं उन लोगों को हुआ है यार, जो लोग जहाँ पर डाइनिंग बिल्कुल बंद थी अब लोग वहाँ पर लेट नाइट तक बैठ के आराम से वहाँ पर फूड इंजॉय कर सकते हैं। तो यार ऐसा ही फूड इंजॉय करने के लिए लोग यहाँ पर बहुत अलग अलग जगह पर जाते हैं, बहुत सारी सी फेवरेट प्लेस है यहाँ पर लोगों की, जहाँ पर लोग बैठकर और वीकेंड्स के दिन वहाँ पर जाकर डिनर इंजॉय किया करते हैं, फूड इंजॉय किया करते हैं। तो यार यहाँ का एक कल्चर है कि कभी भी आप लोग अगर किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं जो एक ओपन रेस्टोरेंट होता है, हो सकता है वो किसी बीच पर हो सकता है वो किसी गार्डन में हो सकता है वो किसी शॉपिंग मॉल में हो, तो यार वहाँ पर जो लाइटिंग्स होती हैं और वहाँ पर जो म्यूज़िक होता है दैट वॉज रियली नाइस। तो उसको देखकर यार कोई भी ये कह सकता है कि यार यहाँ पर नाइट लाइफ चालू है, लेकिन एक्चुअली जो थाईलैंड की नाइट लाइफ है वो क्या होती है वो मेरे वो सभी भाई जानते हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं, जो यहाँ पर पत्या में, बैंकॉक में या फुकेत में या किसी भी थाईलैंड की सिटी के अंदर जो नाइट लाइफ है वो इंजॉय कर चुके हैं। तो फिलहाल जो थाई गवर्नमेंट है, थाई गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स के ये स्टेटमेंट है यहाँ पर कि 1 दिसंबर से, 1 दिसंबर से जो थाईलैंड की नाइट लाइफ है उसको खोलने की कोशिश की जाएगी, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रूर रखी जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो एक ऑफिशियल एक स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये आया है कि 1 दिसंबर से यहाँ पर थाईलैंड की जो नाइट लाइफ है उसको खोलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर आप लोग बात करें तो जितने भी ये रेड जोन है, जो ये डार्क रेड जोन है, यहाँ पर अभी फिलहाल अल्कोहल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग बात करें सुमुई की, जहाँ पर मैं जाकर आया हूँ और जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पर कोफांगन की आप बात करें, फुकेत की आप बात करें, आप बात करें ताओ की जो एक और यहाँ पर आइलैंड है, तो वहाँ पर जो है ये जो आइलैंड्स हैं ये सारे के सारे इस समय यहाँ पर ऑरेंज जोन में है। तो यार इस जगह पर जो नाइट लाइफ है वो कुछ नाइट लाइफ यहाँ पर चालू हो गई है, क्योंकि कुछ यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं जिनको यहाँ पर लीकर की परमिशन दे दी गई है। तो यार लोग वहाँ पर जाते हैं रात को रेस्टोरेंट्स पे और वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर म्यूज़िक होता है, वहाँ पर ड्रिंक होते हैं, वहाँ पर लोग इंजॉय करते हैं, वहाँ पर लोग डांस करते हैं। तो आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो नाइट लाइफ है थाईलैंड की, वो पर्टिकुलर जो ये ऑरेंज जोन है जहाँ पर अभी एक सैंडबॉक्स का जो प्लान चल रहा है, तो इन जगहों पर थोड़ी सी छूट दे दी गई है और इन जगहों पर कुछ नाइट लाइफ स्टार्ट हो गई है। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग पत्या की बात करें, आप लोग बैंकॉक की बात करें, तो फिलहाल यार वहाँ पर नाइट लाइफ का कोई भी सीन नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर नाइट लाइफ स्टार्ट हो गई है। और जिस जगह पर ये जो नाइट लाइफ है यहाँ पर थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई है, जिस जगह पर रेस्टोरेंट्स में अल्कोहल का परमिशन दे दिया गया है, तो मैं आपको वहाँ का दिखाता हूँ कि फिलहाल जो वहाँ की नाइट लाइफ है वो क्या है। उसको देखकर शायद आपको आइडिया हो जाएगा कि जो थाईलैंड की नाइट लाइफ होती थी वो कैसी होती थी। बस यही कुछ थोड़ा सा टाइम मिला था तो हम लोगों ने भी जाकर वहाँ पर थोड़ा सा इंजॉय कर लिया था समूह में। और इसके अलावा मैंने आपसे बात करी कि यार जो मेरा एक दोस्त है सचिन, वो वापस फुकेत में आ चुका है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो सचिन ने आज अपने साथ एक वीडियो शेयर किया है। नमस्ते, मैं हूँ सुनील भाई का दोस्त सचिन, और मैं
फुकेट सैंडबॉक्स में फिर से आ गया हो, लेकिन इस टाइम मैं पूरा अरावल वीज़ा में आया हो। तो मैं अभी देखो इमिग्रेशन चेक पॉइंट पे हूँ। यहाँ पर आपको जो एम्बेसी से फॉर्म मिलता है ना, वो कभी प्रिंट नहीं करने का, जो यहाँ पर इनके पास अवेलेबल है आपको यहीं पर आके भरना है फॉर्म। तो मैं बाबाउड फैमिली की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, और दशहरे की और नवरात्रि की आपको सबको शुभकामनाएं। माँ देवी माता सबको खुशहाल रखे और कोविड से सबको इस सिचुएशन से बाहर निकाले, ये हम सब दुआ करते हैं। चलो अभी मेरा इमिग्रेशन ख़त्म हो गया है, अभी मेरा पीसीआर टेस्ट होगा। पीसीआर टेस्ट यानी कि जब हम एग्जिट करते हैं एयरपोर्ट के बाहर, तो वहाँ पर एक पीसीआर टेस्ट हो जाएगा जिसका 7-8 घंटे के अंदर रिपोर्ट आता है। तब तक मेरे को होटल में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने अभी मेरा सामान उठाया है, मैं अभी जा रहा हूँ पीसीआर टेस्ट अभी यहाँ पर एक होगा मेरा, और जिसका 7 घंटे के अंदर रिपोर्ट आएगा, और तब मैं होटल के बाहर जा सकता हूँ घूमने के लिए, नाइट लाइफ इन्जॉय कर सकता हूँ मैं। ये देखो बाहर एग्जिट पॉइंट पे यहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर देखो सब दिखा, ये देखो यहाँ पर सारी जानकारी है टेस्ट की। ये पीसीआर टेस्ट हो जाएगा अभी। माय टैक्सी माय नेम इज देयर, सी द लेडी इज वेटिंग फॉर मी हियर, इट्स अ साइमन प्लेस राइट, सो दिस इज माय नेम। ये देखो मेरा नाम है यहाँ पर, अभी मैं अपने होटल पे जा रहा हूँ। ओके से हाय, सवारी खा आप। तो आ गई मेरी टैक्सी, चलो अभी मैं मेरे टैक्सी में बैठता हूँ। यहाँ पर ये ड्राइवर है, से हाय। ओके हाय। ओके अभी मैं 35 किलोमीटर से यहाँ से जाऊँगा। मैं बहुत ही 6.5 घंटे का सफ़र था, अभी मैं सुकून से बैठ रहा हूँ। अभी 35 किलोमीटर जाना है मुझे अभी, और 6 घंटे के अंदर मेरा रिजल्ट आएगा, तब मैं बाहर जा सकता हूँ। तो देखते हैं अभी क्या, आपको सारी अपडेट देते रहूँगा मैं। ओके सी यू। हेलो एंड वेलकम, मैं बाबा वुड चैनल की तरफ से सबका वेलकम करता हूँ, और मैं आज आपको सबको बांग्ला रोड कैसा खुला है वो सब दिखाना चाहता हूँ। मैं आज एक स्पॉट पे जाके आपको सबको दिखाऊंगा अभी, और बड़ी ही खुशखबरी है कि इंडियंस अभी आ सकते हैं ऑन अराइवल वीज़ा पे। तो जाकर देखते हैं, अगर आपने बाबा वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं हूँ सुनील भाई का दोस्त सचिन, और हमारी लगातार बातें होती रहती है, क्योंकि मैं अभी पटाया नहीं जा सकता, क्योंकि मैं 8-10 दिन की छुट्टी के लिए आया हूँ इधर। और यार मैं यहाँ पर अभी बांग्ला रोड पे खड़ा हूँ। बांग्ला रोड पूरी तरह से खुल गया, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे लोग नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, पूरा माहौल है यहाँ पर अभी। यकीन है आपके इंडियन भाई के लिए अभी बहुत बड़ी खुशखबर है, अभी सब जगह खुल रहा है। ये देखिए यही थी वो नाइट लाइफ जो यहाँ पर थाईलैंड में अभी ऑन हो गई है। और आप लोग भी अगर फिलहाल अभी जो थाईलैंड की नाइट लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको जो सैंडबॉक्स है आपको उस सैंडबॉक्स के प्लान के अंदर ही यहाँ पर थाईलैंड आना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल अपने पास में कोई दूसरा रास्ता
नहीं है, लेकिन वहाँ तक आने के लिए भी जो इंडिया से थाईलैंड की जो फ़्लाइट्स हैं वो शुरू होना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल आप लोग जो वेट कीजिए कि यार कब इंडिया से जो फ़्लाइट्स हैं वो थाईलैंड के लिए खुल रही हैं और किस टाइम पर आप लोग थाईलैंड आ पाएंगे। तो बस यार यही थी कुछ जानकारी जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था, और यही थे कुछ आपके क्वेश्चन जिसके मैंने आज आपको आंसर किए। आई होप जो भी आंसर मैंने किए आपके जो कुछ डाउट्स हैं वो ज़रूर क्लियर हो गए होंगे। नंबर एक कि थाईलैंड में 1 नवंबर से इंडियंस बिना क्वारंटाइन के बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एंटर हो सकते हैं, तो वो अभी बिल्कुल भी फाइनल नहीं हुआ है। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है कि यार पत्तिया में या फिर बैंकॉक में जो नाइट लाइफ है वो स्टार्ट हो गई है, जो थाईलैंड की नाइट लाइफ स्टार्ट हो गई, तो यार ये भी बिल्कुल एक गलत बात होगी अगर मैं आपको ऐसा बोल दूँ कि नहीं नाइट लाइफ चालू हो गई है, क्योंकि अभी नाइट लाइफ जो खुली है सिर्फ उसी जगह पर खुली है जहाँ पर जो ये रिस्ट्रिक्शन है थोड़ी कम कर दी गई है, जहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स को ये परमिशन दे दी गई है कि वो लोग लीकर सर्व कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यार इंडियन के लिए खुलने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक आपको मैं बता देता हूँ कि यार जो एक बातचीत चल रही है कि यार अभी और भी कंट्रीज़ होंगी जो इन 5 कंट्रीज़ के अलावा यहाँ पर 1 नवंबर से या फिर 15 नवंबर से थाईलैंड के अंदर एंटर करेंगी, लेकिन वो कंट्रीज़ कौन सी होंगी और किस तरह की यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, तो यार वो अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है। तो यार जैसा ही इसके बारे में कुछ भी पता चलेगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ ज़रूर 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 शेयर करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए, भूलिएगा नहीं। मेरा नाम मैं हूँ सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है आपका अपना चैनल बाबा गुड। सी या।